इस वीडियो में मैं आपको वाटर मीटर रूम हेडर क्या चीज़ है, कैसा है सिस्टम बताऊंगा और वाटर मीटर वर्क कर रहा है या नहीं वो बताऊंगा। प्लस अथॉरिटी वाटर मीटर लॉक करके जाता है तो आपको अगर टेस्टिंग करना है, लाइन चेक करना है तो वो कैसा करते हैं वो बताऊंगा मैं। अभी मैं इसमें ये वीडियो में वाटर मीटर वर्किंग प्लस वाटर मीटर लाइन चेकिंग बताऊँगा आपको, ठीक है। बैलेंसिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। रेजिडेंशियल वाटर सप्लाई वाटर मीटर रूम, इसमें 13 फ्लैट्स के वाटर मीटर्स लगे हुए हैं। आपको फ्लैट नंबर यहाँ दिखेगा, ये फ्लैट 507, 506 और ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर है। अभी ये सेंट्रल मीटरिंग सिस्टम नहीं हुआ, मे बी इन फ्यूचर होगा तो प्रोविजन दे के रखे हैं। अभी डिजिटल मीटर से अभी 0.2 बता रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा तो जब वाटर रन होगा तो ये रीडिंग चेंज होगी। ये एक पूरा हेडर है, ये वाला हमारा बूस्टर पंप की लाइन है, ये ग्रेविटी लाइन है हमारी। ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, लेवल 5 लेवल 6 के लिए हमारी बूस्टर लाइन है और लेवल 4 टू लेवल 1 हमारे लिए ये ग्रेविटी लाइन है। यहाँ पर एक एंगल गेट वाल्व है, यहाँ एक गेट वाल्व है, ये पीआरवी है, ये प्रेशर गेज है, ये एक और एक गेट वाल्व है। ये दो गेट वाल्व इसलिए है कि हम आपको यहाँ कुछ मेंटेनेंस आएगा तो हम ये दो लॉक करके यहाँ से मेंटेनेंस करेंगे ताकि दूसरे फ्लैट्स को प्रॉब्लम ना होना पानी रन करने के लिए। ये देखिए आप, पूरा एक सर्किट है ये, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रांचिंग है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पाइप 40 का है, ये पाइप 50 का है। ये डिफरेंस इसलिए है, ये 1 BHK है, ये 2 BHK है। तो फिक्चर यूनिट के बेसिस पे पाइप साइजिंग होती है, आप लोगों को पता है। ये ऊपर है पूरा सा, फिर ये कॉरिडोर में जा रहा है, कॉरिडोर में से एक एक इंडिविजुअल फ्लैट को जाएगा। ये 90 mm का पाइप साइज PPR का हेडर है हमारा। इसके अंदर 110 mm PPR पाइप से हमारे को ब्रांचिंग हो रही है। और ये 3 इंच का गेट वाल्व है, ये भी 3 इंच का गेट वाल्व, ये PRV 1/2 इंच इनलेट प्रेशर गेज प्लस 3 इंच गेट वाल्व। अभी एक वाटर मीटर के लिए क्या क्या सिस्टम आता है, ये गेट वाल्व हो गया, ये अथॉरिटी लॉकिंग सिस्टम है, ये मीटर हो गया, ये गेट वाल्व है, ये 1/2 इंच का गेट वाल्व है और इनलेट आउटलेट मीटर का भी 1/2 इंच है, ठीक है। 1/2 इंच से हमारे को जो पाइपिंग साइज है हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रेड्यूसर और कपलर वो ये लगा के अडेप्टर्स, ये तो बेसिक मांग में है। और ये इंस्टॉलेशन है, ये स्प्रिट क्लैंप थ्रेड रॉड हमने चैनल यूज़ किया है वॉल पे यूज़ करने के लिए, ये इंस्टॉलेशन सिस्टम है इसका। ये लेवल पे करते हैं, अगर वाटर मीटर रूम में स्पेस नहीं है तो हमें जिगजैग करना पड़ेगा, जैसा कि ये मीटर यहाँ पर है। अगर आपका ने स्पेस नहीं है, ये मेगन स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, मैं डिटेल्स में बता देता हूँ आपको। अगर स्पेस नहीं है तो 1 मीटर ऊपर करेंगे हम यहाँ, 1 मीटर यहाँ रखेंगे, तो इससे हम थोड़ा करीब कर सकते हैं ऐसा मीटर्स। और हम लोग अभी यहाँ पे मीटर टेस्टिंग कर रहे हैं कि मीटर वर्क कर रहा है या नहीं, प्लस लाइन चेक कर रहे हैं। लाइन चेक यानी कि जैसा कि फ्लैट 03 के लिए ये पाइप है और फ्लैट 02 के लिए ये पाइप है, मे बी समटाइम्स मिस्टेक हो जाती है, 502 फ्लैट लिखते हैं मगर पानी जाता है फ्लैट 03 में, ये लाइनिंग चेंज होने की वजह से, यानी तो ये टैगिंग चेंज हो जाती है। तो हम लोग ये लाइन चेक कर रहे हैं, 502 है तो 502 फ्लैट में जा रहा है, ये 503 है तो 503 में, और ये मीटर हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक ऑन करके भी बताऊंगा आपको कि मीटर में रीडिंग कितनी आएगी और क्या सर चेंज होगी। ये इसकी की है, ये वाली मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताता हूँ अभी करके। ये अभी 508 ओपन करना बता रहा हूँ मैं,
पहले हम ये वाल्व चेक कर लेंगे, ओपन है क्या ये साइड, ये ओपन है और ये ओपन नहीं है, ये ओपन कर रहा हूँ मैं भी। अभी देखिए यहाँ पर रीडिंग चेंज होगा, 200 था वो, ये देखिए रीडिंग चेंज हुआ यहाँ पे, पहले 200 था अभी 211 हो गया, 212। फिर चेक होने के बाद सिर्फ मैं ये लॉक कर दूंगा तो एंटायर वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी, इसको लूज करके ये होगा।